हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड, आप लोग का ओप्पो A3s पे कमेंट आया था कल, 8-10 कमेंट आया था जो कि ओप्पो A3s पे था। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप गलती से लॉक लगा के अपना लॉक को भूल चुके हो, चाहे वो लॉक पैटर्न हो या पिन हो या पासवर्ड हो, तो आपका फ़ोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है। इस केस में आप सर्विस सेंटर जाते हो या किसी करीबी दुकान में जाते हो जहां मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। लेकिन ये दोनों जगह पर फ्रेंड, आपका फ़ोन का लॉक तो टूट जाएगा लेकिन फ़ोन के अंदर का जो भी डाटा होगा वो डाटा सेफ नहीं रहेगा, वो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि आप लोग का फ़ोन भी अनलॉक कर दें और डाटा भी सेफ रखें। आज आपको मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस करना है। आपका इस प्रोसेस में एक भी डाटा लॉस नहीं होगा। इस प्रोसेस में ना ही कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही लैपटॉप की, और ना ही आपको सर्विस सेंटर जाना है। सिर्फ आपको सीखना है और अपने हाथों से अपना ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। फ्रेंड, सबसे पहला वर्क आपको अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करना है। जब आप स्वीप अप करोगे तो नीचे इमरजेंसी कॉल दिखेगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास होगा भी नहीं। फ्रेंड, आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन में आपको कहीं भी इमरजेंसी कॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना। आप जस्ट इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू डायलेट खुलेगा। आप गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड जानते होगे, *#899#*#899#। ये कोड डालते ही के साथ फ्रेंड, आपका फ़ोन में एक न्यू पेज का ओपन हो जाएगा जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इंजीनियर मोड। तो इस इंजीनियर मोड में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप वही वर्क करना जो वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर देना, चौथा नंबर ऑप्शन पे। फर्स्ट पेज छोड़ के सेकेंड पेज पे आना। सबसे पहले आपको अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो यहाँ पर हमारा है जी सेंसर, सेंसर ऑफर ऑफसेट टेस्ट के नीचे, उस पर हम क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा आप देख सकते हैं कि जी सेंसर का तीन एंगल है, X, Y, Z, तीनों का तीनों एंगल रनिंग कर रहा है। इसका साफ मतलब है फ्रेंड कि ये सेंसर अभी तक एक्टिव है। अगर ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं करता। यहाँ आपको पता चला कि हमारा सेंसर एक्टिव है। दूसरा है जस्ट जी सेंसर के नीचे जायरोस्कोप, एम यहाँ पे एम सेंसर के ऊपर जायरोस्कोप पे आपको क्लिक करना है। सेकंड नंबर ऑप्शन है जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट का, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट का, उस पर क्लिक करके यहाँ पास लाना है। अगर यहाँ पे पास आ गया फ्रेंड तो ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा, नहीं तो अनलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर पास आ जाए तो समझ जाना कि आपका 90% वर्क कम्प्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पास आया है फ्रेंड। अगर आपका फेल आए तो आप चिंता मत करना, आप दोबारा तीन बार चार बार पाँच बार कंटिन्यू ट्राई करना, पास जरूर आएगा, इतना याद रखना। उसके बाद इसको बैक कर लेना और यहीं पे इसी पेज में एक वर्क और है, उसी वर्क के अनुसार आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर मैं बता रहा हूँ सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन पे हम क्लिक करते हैं, आपको भी क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके फ़ोन में, यहीं पे टोटल वर्क हम समझाएंगे फ्रेंड, और इस वर्क पे लास्ट वर्क है। इस वर्क के अलावा कोई वर्क आपको नहीं करना है अगर आपका फ़ोन का सेंसर सच में ऑन है तो। ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, यहाँ दो ऑप्शन है। आपके ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, सबको ऐसे क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर एक भी पास दिख गया ना दोस्त तो आपका फ़ोन अनलॉक है, वो भी विदाउट डाटा लॉस है। तो आइए हम देखते हैं, दोनों को हम स्टार्ट कर दिए हैं, टेस्ट स्टार्टेड लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, हमारा वर्क कम्प्लीट हो चुका है। मैंने बोला है कि अगर एक भी पास दिख गया तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। तो यहाँ पे ऊपर का पास हो चुका है, नीचे का फेल हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे होम बटन है, मैं होम बटन पे क्लिक करूँगा। यदि आपके ओप्पो में स्वीप अप है तो आप स्वीप अप करना, लेकिन होम से ही करना, इतना बात याद रखना जरूर।
जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं सच में यार ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आप देख सकते हो ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है और इस फ़ोन का जितना भी डाटा था वो डाटा भी सेफ है, एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। फ्रेंड मैंने आपको वीडियो से पहले ही बताया था कि मेरे इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि डाटा सेफ कैसे किया जाए, यही डाटा सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया और ये डाटा ही बचाया। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे दोस्त, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।